हाय, इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगी कि इस दिवाली में मैंने अपने पॉट्स को कैसे डेकोरेट किया। अपने पॉट्स को डेकोरेट करना, गार्डन को क्लीन करना, प्लांट्स को अरेंज करना, ये सब कुछ गार्डनिंग का ही एक पार्ट है। और अगर आपने कभी पॉट को पेंट नहीं किया है और डाउट रहता है कि सीमेंट पे कौन सा पेंट करना है, प्लास्टिक पे कौन सा पेंट करना है, ग्लास की बॉटल्स पे कौन सा पेंट करना है, तो इस वीडियो में आपको इन सारे डाउट्स का आंसर मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपसे दो चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। पहला, मैंने मिट्टी के पॉट दैट इज़ क्ले पॉट्स को पेंट नहीं किया, क्योंकि उनकी क्वालिटी यही होती है कि उनसे एयर पास हो, और अगर पेंट कर दिया गया तो एयर पास नहीं होगी, इसलिए मैंने मिट्टी के पॉट्स को पेंट नहीं किया। दूसरा, मेरा मोटिव था कि मैं कम से कम टाइम में, लिमिटेड बजट में, बहुत ही कम एफर्ट्स में अपने पॉट्स को डेकोरेट करूं। तो ये चीज़ आपको मेरे वीडियो में देखने में मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं सीमेंट के पॉट। जैसे वाइट वॉश के पहले हम अपने घर में दीवारों और दरवाज़ों को साफ़ करते हैं, सेम वैसे ही हमें अपने पॉट्स को भी साफ़ करना है। सीमेंट के पॉट्स में एक सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है, इसे हटाना बहुत ज़रूरी है। ये एग्जैक्टली क्या होता है ये जानने के लिए आपको मेरा पॉट वाला वीडियो देखना होगा। तो रेगमाल से आपका सीमेंट का पॉट बहुत आराम से साफ़ हो जाएगा। सीमेंट के पॉट्स मैं कई सालों से पेंट कर रही हूँ और कई सारे पेंट्स भी ट्राई किए हैं, बट मुझे बेस्ट इसमें लगा एशियन पेंट्स का एपिक्स। ये बॉक्स 1 लीटर का है, 314 रुपये का पड़ा मुझे, और मैंने रेड कलर लिया है। इसमें थोड़ा सा ही पानी मिक्स करना है, तारपीन का तेल वगैरह नहीं मिलाना है, और पानी बहुत कम रखिएगा वरना पेंट बहेगा, लगेगा नहीं। नॉर्मल ब्रश से पेंट करना है। मैंने सीमेंट के पॉट्स में कोई डिज़ाइन नहीं की है, क्योंकि मेरे पास एक ही कलर था और ये एक कलर में ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक कोट में ही पेंट परफेक्ट लग रहा है, आप चाहो तो 2 कोट कर सकते हो। और पॉट में सीधे पेंट लगाना है, किसी और चीज़ की कोटिंग नहीं करनी है। अगर ये पेंट आपसे फ्लोर पे लग जाता है या गिर जाता है तो आप इसको गीले कपड़े से साफ़ कर दीजिए, तुरंत साफ़ हो जाएगा। और अगर ये पेंट गिरने के बाद सूख गया है तो आप इसको तारपीन के तेल से साफ़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है प्लास्टिक के पॉट्स। प्लास्टिक के पॉट्स को पेंट करने के लिए बेस्ट होते हैं एक्रेलिक पेंट्स, और एक्रेलिक पेंट्स बहुत कंपनीज के आते हैं। ये मैंने फैब्रिका का 6 कलर्स का एक बॉक्स लिया है, इसमें बेसिक सारे कलर्स हैं। इसकी MRP 90 रुपीज़ है, बट मुझे ये 60 का पड़ा, मैंने ऑनलाइन लिया था। मैंने कुछ कलर्स स्टेशनरी शॉप से भी लिए हैं, ये फेविक्रिल कंपनी का है और 20 रुपीज़ पर बॉटल है। अब मैं आपको कुछ ब्रश दिखाती हूँ। लिक्विड सिंदूर की बॉटल में जो ब्रश होता है, सबसे पहले मैंने वो लिया। ईयरबड्स ली, ईयरबड भी बहुत काम आती है। 3 ब्रश खरीदे मैंने, 12 नंबर, 2 नंबर और 8 नंबर। 8 नंबर का एज सच बिल्कुल भी काम नहीं पड़ा, मेन काम पड़ा मुझे 12 नंबर और 2 नंबर का। कुछ लोग डायरेक्टली ब्रश से डिज़ाइन करते हैं, बट मेरे हाथ उतने सेट नहीं थे तो मैंने पहले सिंदूर वाले ब्रश से आउटलाइन ड्रॉ की और उसके बाद अंदर पेंट किया। डिज़ाइंस के लिए मैंने गूगल में सर्च किया, जो सबसे इजी डिज़ाइंस थी मैंने उनको ही ड्रॉ किया। अब मैं आपको ईयरबड से करके दिखाती हूँ। अगर पेंट करते हुए पेंट फैल गया है तो आप गीले कपड़े से तुरंत पोंछ दीजिए, ये साफ़ हो जाएगा। और अगर पेंट सूख गया है और आपको कलर हटाना है तो किसी भी चीज़ से स्क्रैच कर दीजिए। मैंने जो ब्रश के पीछे वाली साइड होती है ना, उससे स्क्रैच किया और कितनी ईजली हो गया। ये पेंट हार्डली 10 मिनट में सूख जाता है, इसमें डबल कोट कर देंगे तो पेंट बहुत सुंदर लगता है। मैंने इसमें सिंपल ट्रायंगल बनाया है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। इसमें मैंने हार्ट बनाए हैं और ब्रश से ही बनाए हैं। तो मैंने कुछ डिज़ाइंस बनाई जो बहुत इजी थी और पेंट होने के बाद ये बहुत डिसेंट लग रही थी।
इट वॉज ऑल अबाउट प्लास्टिक पॉट। अब मैं आपको ग्लास की बॉटल्स का दिखाती हूँ। ग्लास की बॉटल्स वो वाली हैं जिनमें हम मनी प्लांट रखते हैं या सिंगोनियम रखते हैं या कटिंग्स लगाते हैं। इनमें भी एक्रिलिक पेंट ही करना है, सेम प्रोसीजर। अभी तक मैंने जितने भी बॉटल्स को पेंट किया वो सब ट्रांसपेरेंट थी और उनमें मैंने कुछ कुछ डिज़ाइन बनाई थी, लेकिन अगर मुझे पूरी बॉटल को एक बेस कलर देना हो और उसके ऊपर पेंटिंग करनी हो तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसके लिए मैंने अपनी एक फ्रेंड की हेल्प ली, शी इज़ वेरी गुड इन दैट। उसने मुझे एक्सप्लेन किया, करके दिखाया और मैंने उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड की है, तो आप वो देखिए। हाय एवरीबॉडी, मैं प्राची हूँ। आज ये बॉटल पेंट करेंगे हम। इस पे सबसे पहले एक कलर से पेंट करेंगे जिसको हम बेस कलर कहते हैं। उसके बाद हम इस पे डिज़ाइन पेंट करेंगे, कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे जो इस पे उभर के आएगा। और इस बॉटल को पेंट कैसे करेंगे हम? हम इसको पेंट करेंगे इस बर्तन धोने वाले स्पंज से। हम बेस इससे करेंगे लेकिन हम पेंट ब्रश से करेंगे जब ये बेस हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैंने ऐसे कलर लिया है, पानी मिक्स नहीं कर रही हूं क्योंकि अगर मैं पानी मिक्स करके ये पेंट लगाऊंगी तो फिर ये जहां भी पेंट लगा है वो वहां से निकल के आ जाएगा, सफाई नहीं नजर आएगी। इसका फायदा एक ये भी है कि आप थोड़े ही पेंट में बहुत सारी बॉटल कवर कर सकते हो और सुंदर भी दिखता है और जल्दी फिनिश भी हो जाता है। अब इसको सूखने के लिए 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट में ये पूरा सूख जाएगा। इस पे एक और कोट नहीं करना है, नहीं तो पहला वाला कोट भी आपका उतर के आ जाएगा स्पॉन्ज पे। अब ये बॉटल सूख चुकी है तो अब मैं इस पे पेंटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैं ऑरेंज कलर के फ्लावर्स बनाऊंगी इस पे, तो ऑरेंज कलर और हल्का सा मैंने पानी इस पे मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो आप ग्लास मार्किंग पेंसिल से इसको पहले आप फ्लावर्स ड्रॉ कर सकते हैं इस पे और फिर उसके बाद पेंट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली पेंट कर रही हूँ। ये आप जैसे कि देख रहे हैं कि पेंट अब बैठ नहीं रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादा वाटर मिक्स हो गया है। कम से कम पानी मिक्स करेंगे तो पेंटिंग अच्छी आएगी। ऐसे ही मैंने इस बॉटल को भी पेंट किया है। आप बॉटल्स में लाइट्स लगा सकते हो, ये बहुत प्रीटी लगता है। आप अपने पॉट्स को कैसे भी पेंट करो, अगर थोड़ी बहुत भी सफाई है ना तो वो दूर से बहुत अच्छा लगता है। दिस वॉज ऑल अबाउट पॉट डेकोरेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं और ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। मेक योर ओन गार्डन, be safe and stay connected. Bye-bye.